तो गाइज़ अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया। आज की वीडियो में मैं आपको कमाल का अर्निंग साइट देने वाला हूँ जहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग करने वाला हो। तो गाइज़ सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड में शो कर रहा है, देखो करंट बैलेंस 103 रुपये 32 पैसे, ठीक है। तो गाइज़ इस साइट की एक बड़ी बात है कि जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये का ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 100 रुपये का ज्वाइनिंग बोनस आपके अकाउंट में मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर करंट बैलेंस देख लो, यहाँ पर आपको टोटल बैलेंस सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पे आपके आपने कितना विड्रॉ किया सब कुछ यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और देखो गाइज यहाँ पे मैंने ऐड व्यू किया, 2 ऐड व्यू किया, उसके बदले में मुझे यहाँ पे 2.32 रुपये यहाँ पे मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा अर्निंग करने को मिलता है यहाँ पे आप ऐड देख के, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा, जैसे कि अपने थंबनेल में देखा, यहाँ पे आपको कोई इससे अर्निंग होगा। प्लस आप यहाँ पे अगर आर्टिकल लिखना चाहते हो, राइटिंग करना चाहते हो, तो आपको आर्टिकल से भी यहाँ पे अर्निंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं अर्निंग करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपका अकाउंट जो है रजिस्टर कैसे करोगे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस साइट का जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाता है, ठीक है। साइट का नाम है सोशल कैश क्लब नेटवर्क, ठीक है। यहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग करोगे, 100% यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। आगे मैं बताऊँगा कि इस पैसे को, जो अपने करेंट बैलेंस है, इस पैसे को आप विड्रॉ कैसे लोगे अपने बैंक अकाउंट में। यहाँ पे अपने पैसे को बैंक अकाउंट में सेंड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप रजिस्टर कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। जैसे क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाता है, वहाँ पर अपना बेसिक डिटेल डालना होता है, ईमेल एड्रेस डाल के आप पासवर्ड डाल देना, एंड उसके बाद आपके जो ईमेल में एक वेरिफिकेशन मेल जाता है, मेल को कन्फर्म कर लेना, एंड उसी मेल में आपका जो यूज़र नेम एंड एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। उसी पासवर्ड और उसी यूजर नेम को डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आपके यहाँ पे सब कुछ 0-0 होगा, खाली आपका यहाँ पे जो करंट बैलेंस है वो 100 रुपये आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस में आप देख सकते हो यहाँ पे आप अर्निंग कैसे करोगे। पहले बात करते हैं यहाँ पे आप अर्निंग कैसे करोगे। तो अर्निंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो जो आपका रेफर लिंक है वो शो होगा, ठीक है। इस रेफर लिंक से अगर आपने दोस्त को यहाँ पे जोड़ते हो, जितना चाहो उतना टीम बनाते हो, तो आपको यहाँ पे टीम का यहाँ पे अर्निंग होता है। यहाँ पे आपको लेवल अर्निंग भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 7 लेवल का अर्निंग मिलता है, जो कि आपने किसी को ज्वाइन किया, आपके दोस्त ने किसी को ज्वाइन किया, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 7 लेवल का अर्निंग मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना टीम बनाओ और यहाँ पे लेवल अर्निंग करो। बात करते हैं अब दूसरे अर्निंग, जो कि आप यहाँ पे कोई से कैसे अर्निंग करोगे, जैसा कि अपने थंबनेल में देखा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली देखो, साइड में एक बार शो रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जब अकाउंट यहाँ पे आपका रजिस्टर कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे 2 इनका ऑफ़र है, उनको आपको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे माय ऑफ़र पे आओगे, आने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आओगे तो आपके सामने यहाँ पे जो इनका ऑफ़र शो कर रहा है वो आपको यहाँ पे आना होगा, एंड उनका रेटिंग यहाँ पे देखो, तो आपको 1-1 रुपये का 1-1 ऑफ़र है, ठीक है। जैसे इनको पूरा करते हो तो आपको 1 रुपये करके यहाँ पे पर ऑफ़र का आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो इनके एक यूट्यूब पेज पे ले जाएगा, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, आपको बेल आइकन को ऑल पे रख देना होगा, एंड उसके बाद वीडियो को एक लाइक कर देना होगा। लाइक करने के बाद आपको सिंपली एक स्क्रीन शॉट लेके यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करके आपको स्क्रीन शॉट को अपलोड कर देना होगा। मैं ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुका हूँ, तो मेरे यहाँ पे कंप्लीट शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे ऊपर वाले में देख सकते हो, यहाँ पे आपको ज्वाइन ऑफिशियल टेलीग्राम, जो इस पर्टिकुलर कंपनी का आपको जो ऑफिशियल टेलीग्राम है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम में रीडायरेक्ट कर देगा, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सबमिट कर दोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने सबमिट किया, तो अभी सबमिटेड में है। जैसे यहाँ पे 24 आवर्स में यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन 2 ऑफर को आप पूरा कर लेना, तो आपका यहाँ पे जो इनके बदले में 1-1 रुपये करके आपको यहाँ पे अर्निंग हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आप क्विज से कैसे अर्निंग करोगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे साइड बार में शो कर रहा होगा माई डेली टास्क, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली
क्विज मिलता है, डेली टास्क में आपको डेली क्विज मिल जाएगा जहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर क्विज का आपको यहाँ पे कितना रुपए यहाँ पे मिलेगा वो सब शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्विज देखो आपको बहुत से मिल जाते हैं, 15-20 क्विज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जहाँ से आप यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो अपने फ़ोन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अर्निंग करने के लिए देखो यहाँ पे आपको जो मैंने दो यहाँ पे क्विज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया उसके यहाँ पे कंप्लीट स्टेटस कंप्लीट शो कर रहा है, एंड उसके बदले में यहाँ पे 0.17 रुपये एंड सेकंड में देखो 0.15 रुपये मुझे यहाँ पे मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्विज करने के लिए क्या करना होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक हेयर पे जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने दूसरा विंडो आ जाता है अगर फ़ोन से कर रहे हो, और अगर लैपटॉप है पीसी है तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, एंड उसको थोड़ा ओपन यहाँ पे ऊपर करोगे तो यहाँ पे इसको सबसे पहले अगर आप फ़ोन में कर रहे हो तो इसको आप डेस्कटॉप मोड में कर लेना ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको प्ले एंड एंड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इनका इंटरफेस है क्विज का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करना होगा, यहाँ पे शो कर रहा है कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी देखो यहाँ पे लॉ के बारे में है, ठीक है, लॉयर के बारे में आपसे ये मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो लॉयर के बारे में यहाँ पे आपको क्विज मिलेगा, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंटर क्विज यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ जाता है, स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक कर देना होगा, एंड स्टार्ट नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इनका जो क्विज का ऑप्शन है वो आ जाता है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करोगे देख सकते हो यहाँ पे टाइम लिमिट चल रहा है, ऊपर इस टाइम लिमिट खत्म होने तक आपको आंसर देना होगा। तो ऐसे नहीं, आपको यहाँ पे हमेशा ए और बी से आंसर आता है, ठीक है, ए और बी के बीच में यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, तो कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना होगा, अगर गलत हो तो यहाँ पे मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि लास्ट में सी और डी में आए, तो आपको ध्यान देना होगा कि कब कौन से में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ध्यान देना होगा, जैसे गलत यहाँ पे मारोगे तो यहाँ पे आपको ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गलत गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं है कौन सा क्या है, तो आपको भी ऐसे कर देना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे देखना होगा। देखिए तो ये हो गया, ठीक है, आपने यहाँ पे गलत डाला यहाँ पे तो आपका यहाँ पे सॉरी बोल देगा जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे आओगे प्ले अगेन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो गाइस प्ले अगेन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से क्विज आ जाता है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन वही आंसर आएगा, तो आपको खाली यहाँ पे देखना होगा कि पहले वाले में जब आपने गलत डाला तो सही कौन सा था, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला सही था, यहाँ पे सी वाला देखे तो कुछ इस तरीके से आपको देखना होगा, एंड उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे बी वाला यहाँ पे राइट था, तो मैंने यहाँ पे ध्यान दिया था कि कौन से कब यहाँ पे जो पहले मैंने गलत गलत डाला एंड यहाँ पे दिखा देता है कि कौन सा राइट है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सही वाला देखना होगा और आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा या फिर कहीं पे आप नोट कर लेना कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है सी वाला सही है, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डी वाला सही होगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है ए वाला यहाँ पे सही है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे आंसर देना होता है, ठीक है गाइस। तो ऐसे करके यार यहाँ पे आप एकदम ईजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला मुझे लगता है सही है, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ गया, एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इस बार जो मेरा क्विज़ है वो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे एक गलत दिया, चार सही दिया, तो कोई बात नहीं, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होता है। इस पेज को आपको यहाँ पे कट कर देना होगा, कट करने के बाद यहाँ पे आपको इस पेज पे आ जाना होगा जहाँ पे आपका क्विज का ऑप्शन था, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली इसको रिफ्रेश कर देना होगा, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आता है यहाँ पे देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एंड इसके बदले में जो आपका यहाँ पे पैसा है वो शो कर रहा है, ठीक है। मैं डैशबोर्ड में आपको ले चलता हूँ, डैशबोर्ड में जाके आपको दिखा देता हूँ जो पैसा है हमारा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे 103.32 यहाँ पे 32 पैसे था, तो यहाँ पे हमारा जो अभी 103.51 यहाँ पे 51 रुपये यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे अर्निंग करने का ऑप्शन मिलता है। तो फिर से मैं डेली टास्क में यहाँ पे जाता हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको फिर से यहाँ पे एक और क्विज करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर पे जैसे क्लिक करोगे तो पेज को आपको सिंपली यहाँ पे जो डेस्कटॉप मोड है उसको आपको ऑन कर देना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको जो स्टार्ट नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देखो प्ले एंड एंड का सिंपली आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको प्ले एंड एंड पे क्लिक करना होता है। तो गाइज़ आपको सिंपली यहाँ पे प्ले एंड एंड पे फिर से जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्विज आ जाता है, ठीक है, और कैटेगरी आ जाता है कि कौन से कैटेगरी में आपको क्विज यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको यहाँ पे क्विज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे
तो यहाँ पे लोडिंग होगा एंड आपके सामने यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रिसिटी क्विज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एंड उसके बाद स्टार्ट नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे क्विज जो है आपके सामने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका क्विज यहाँ पे आ जाता है एंड क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में आंसर पता है तो आप राइट दे देना, अगर नहीं पता है तो आप ऐसे ही एक में टिक कर दो। तो यहाँ पे देखो बी वाला SCR सही था, ठीक है। आपको ये ध्यान से देखना होगा, कहीं पर नोट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता नहीं है तो मैं फिर से यहाँ पे ए वाला ट्रिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखो डाइस सही था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे ही कोई मार देता हूँ। यहाँ पे देखो T4 सही था, ठीक है। तो ऐसे करके आपको देख लेना होगा, तो ऐसा करके आप बोथ आ ए एंड बी तो आपको ऐसे देख लेना होगा अगर आपको पता नहीं है ये स्मूथ था तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख देख के 1 1 1+ ऐसे करके जो भी यहाँ पे जो राइट है तो वो आपको यहाँ पे देख लेना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से अगर आपने गलत गलत डाल दिया तो आपको यहाँ पे तो क्विज जो है आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे स्कोर बहुत कम है, यहाँ पे सॉरी बोल दिया, तो फिर से आपको यहाँ पे प्ले अगेन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे प्ले अगेन पे क्लिक करोगे तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन कौन से में आपने यहाँ पे सही था, ठीक है। कौन कौन से में आप यहाँ पे जो मतलब आए थे, कौन कौन से यहाँ पे जो राइट था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से यहाँ पे देखना होगा एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखो SCR था तो SCR आ गया, ठीक है। और यहाँ पे T4 था, डी वाला ऑप्शन T4 मैंने लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे 1 PN जैक्शन था, यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया। एंड उसके बाद इस वाले ऑप्शन में बोथ ए एंड बी ये वाला सही था, सी वाला ऑप्शन तो मैंने लगा दिया। एंड उसके बाद इसमें आपको जो आया था ये डी वाला डाइस यहाँ पे था वो मैंने टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख तो लास्ट वाले ऑप्शन में जो ए वाला बी वाला ऑप्शन था वो सही था। तो कुछ इस तरीके से देखो तो मैंने यहाँ पे जो क्विज है कंप्लीट कर दिया आपके सामने। तो आपको भी ऐसे कंप्लीट करना होगा एंड जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट कर दोगे तो आपका यहाँ पे देखो क्विज इस बार आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया और आपने पूरे सही किए, पूरा 100 यहाँ पे परसेंट आपका सही रहा, आपका स्कोर शो होगा। और ये सब बात की बात है तो आपको सिंपली इस विंडो को कट करके आपको यहाँ पे आना होगा अपने ऑफिशियल साइट में, ठीक है। आने के बाद पेज को कर लेना होगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद देखो आपका यहाँ पे जो क्विज़ है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड इसके बदले में मुझे यहाँ पे 0.22 रुपीज़ मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से देखो तो आपको यहाँ पे बहुत से यहाँ पे क्विज़ आपको शो करेंगे जहाँ से आप यहाँ पे सिंपली 1 मिनट लगता है आपको यहाँ पे अर्निंग करने में के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग हिस्ट्री में मैं आपको जाता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड में सबसे पहले शो करवा देता हूँ, डैशबोर्ड में आता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा अर्निंग है वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड में आ गया एंड उसके बाद देखे तो यहाँ पे जो पैसा है हमारा बढ़ चुका है, ठीक है। तो गाइज आप बात करते हैं यहाँ पे आप आर्टिकल से कैसे पैसे कमाओगे, आर्टिकल लिख के यहाँ पे कैसे अर्निंग करोगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे आना होगा राइट एंड एंड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप राइटिंग करके पैसे कमाने वाले हो। अगर आपको राइटिंग का शौक है, आर्टिकल लिखने का शौक है तो आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आओगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपका डिटेल शो करेगा जब आप यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करोगे। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो क्लिक हियर टू राइट का बटन दिख रहा है, यहाँ पे को क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इनका इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आप राइटिंग कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। तो इनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया है जिनको आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो आपका ब्लॉग 7 डेज के अंदर स्वीकृत किया जाएगा, यानी कि आपका जो जब आप यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करोगे तो 7 डेज के अंदर आपको वो अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। 7 डेज का टाइम लगता है अप्रूवल होने में। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो कई यहाँ पे आपको जो आप यहाँ पे वर्ड लिखोगे, जिन वर्ड का आप यूज़ करोगे वो वर्ड कहीं से आपने कॉपी नहीं करना, सिंपली जो आपको यहाँ पे लिखना होगा अपने मन से यहाँ पे दिमाग से जो भी बना के आपको यहाँ पे लिखना होगा, राइट करना होगा, ठीक है। कहीं से आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपका यहाँ पे जो भी भाषा है यानी कि लैंग्वेज, आपको ऑल कैटेगरी में आपका यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाता है जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो आर्टिकल। एंड उसके बाद यहाँ पे मिनिमम आपको जो 1500 यहाँ पे वर्ड आपको होना चाहिए, ठीक है। 1500 वर्ड का एक आर्टिकल होना चाहिए मिनिमम, आपको 1500 वर्ड से ऊपर जितना भी हो लेकिन मिनिमम 1500 वर्ड यहाँ पे होना चाहिए। एंड उसके बाद बोल रहा है कि अगर आप पोस्ट में कोई भी इमेज ऐड करना चाहते हो तो वो कॉपीराइट फ्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप कॉपीराइट फ्री इमेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो तो आपका जो पैसा है, जो यहाँ पे जो आप आर्टिकल लिखोगे उसके पैसा जब आपका यहाँ पे जो आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
एंड यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो आप इनके जो कस्टमर सपोर्ट नंबर, इन नंबर पे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आप राइटिंग कैसे करोगे। राइटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज का ऑप्शन, जिस भी कैटेगरी में लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल हिंदी तो हिंदी। एंड उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैटेगरी आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो डेस्कटॉप दिया है। एंड यहाँ पे आप जैसे भी करना चाहते हो, ऑनलाइन अर्निंग, अमेजोन म्यूजिक, जो भी आप इंटरेस्टिंग है उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एंड जो भी आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी हेडिंग को अगर बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करके आप उसको यहाँ पे बोल्ड में भी लिख सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे बोल्ड में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब कुछ आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ से आप अपने आर्टिकल को, एक कंप्लीट आर्टिकल, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड उसके बाद जैसे आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो आप अगर इमेज, कोई भी इमेज अगर आप अपलोड करना चाहते हो, उस इमेज को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पे आपको टिक लगा के आपको सिंपली सबमिट कर देना होगा। 7 डेज़ के अंदर आपका जो पोस्ट है, आर्टिकल है, वो आपको 7 डेज़ के अंदर यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर साइट है, इनकी कंपनी है, वो 7 डेज़ लग जाता है इनको चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके थ्रू अर्निंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप राइटिंग करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे आप पेमेंट कैसे लोगे, ठीक है। आपने तो अर्निंग कर लिया, अब बात करते हैं आप पेमेंट कैसे लोगे। तो पेमेंट लेने के लिए देखो, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में बैंक डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप बैंक डिटेल ऐड करोगे। तो यहाँ पे बैंक सेटिंग पे आओगे। बैंक सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपका जो बैंक डिटेल है वो आपको डालना पड़ता है। अकाउंट नंबर डालोगे, बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड, पैन कार्ड नंबर और आपका एक आधार कार्ड नंबर डाल के आपको अपडेट कर देना होगा। यहाँ पे देखो एकदम लीगल साइट है, जेन्युइन साइट है, जहाँ पे आपका आपसे पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अगर अपनी इनकम डिटेल शो, मतलब देखना है, तो इनकम डिटेल में आने के बाद आप अपना इनकम डिटेल यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ से आपने कितना अर्निंग किया है। यहाँ पे आपको ऐड व्यू, जहाँ से ऐड व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ऐड व्यू के थ्रू जो जो अर्निंग किया होगा वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसा कि मैंने आपको क्विज से अर्निंग करके दिखाया, तो वो सब यहाँ पे शो कर रहा है कि किस क्विज का मुझे यहाँ पे कितने रुपये मिला है। यहाँ पे डेट वेट सब कुछ शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने पैसा कमाया है, वो पैसा आपको विड्रॉ लेने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिक्वेस्ट पे आउट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो इंटरफेस आ जाता है, जहाँ से आप विड्रॉ लोगे अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ आपका अवेलेबल बैलेंस होगा। देख सकते हो 103.73 रुपीज़ मेरे अकाउंट में है। एंड यहाँ पे होल्ड विड्रॉल, टोटल पेड, सब कुछ यहाँ पे 00 है, यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, आपने जितने यहाँ पे विड्रॉ लगाया। तो गाइस यहाँ पे आपको जितना अमाउंट हो जाता है, यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो आप यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे अमाउंट डाल के सबमिट करोगे तो आपका यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर आपका विड्रॉ अपने बैंक अकाउंट में चला जाता है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा है कि मिनिमम विड्रॉ 500 रुपये। जैसे यहाँ पे आप अपने 500 रुपये यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो, तब आप यहाँ पे विड्रॉ ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चार्ज कटते हैं, जो यहाँ पे जो कंपनी, ये जो पर्टिकुलर साइट है, जो आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र करने का कुछ चार्ज है वो कट जाता है। एंड उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 100% पैसा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। साइट एकदम जेन्युइन साइट है, यहाँ पे आपको 100% पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे वर्क करो, अच्छा खासा अर्निंग करो अपने फ़ोन से, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आपका 500 रुपये कंप्लीट हो जाता है और आप यहाँ पे विड्रॉ ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो गाइस यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको और भी वीडियो मिल जाएगा अर्निंग से रिलेटेड, वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। और यहाँ पे मैं जो आगे वाला जो वीडियो लाऊंगा ना, सबके पेमेंट प्रूफ के साथ वाला वीडियो होगा, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पर रख देना। तो गाइस यार ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे काम करो, अच्छा खासा अर्निंग करो। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।